पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था, इसलिए सुन ले हुए सी, औरंगजेब की पहचान पर। राजनीति में भाषा की मर्यादा होती है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा में सारी दीवार ढह चुकी है। ये बयान जो अभी आपने सुना, ये ओवैसी और देवेंद्र फडणवीस के बीच चल रही जुबानी जंग का ताजा अपडेट था, क्योंकि दोनों पिछले कई दिनों से एक दूसरे पर जुबानी तीर चला रहे हैं, जो सोमवार को ही गीदड़, चोरडा और खुजली तक पहुंच गई थी। गीदड़ के मुंह में खून लग गया है, गीदड़ को लगता है हमने लोकसभा में वोट जिहाद करके मोदी जी को परास्त कर दिया, लेकिन उनको ये पता नहीं है मोदी जी की ताकत क्या है। अब हम जाग गए हैं, वोटों का ऐसा धर्म युद्ध लड़ेंगे कि ये गीदड़ों के ध्यान में आएगा कि अब उनकी चलने वाली नहीं है। तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना, अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन इस जुबानी लड़ाई में महाविकास अघाड़ी इस लड़ाई में कहीं नहीं, जबकि महाराष्ट्र में सीधी लड़ाई महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि कहीं फडणवीस ओवैसी को सोची समझी रणनीति के तहत तो टारगेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार हिंदू वोटों को एकजुट करने में लगी है। ऐसे में ओवैसी जितने भड़काऊ भाषण देंगे उससे बीजेपी का काम ही आसान होगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.